गणेश चतुर्थी कहें या गणेशोत्सव, विनायक चतुर्थी कहें या गणपति जन्मोत्सव, न जाने कितने ही नामों से संबोधित किए जाने वाला भगवान गणेश को समर्पित यह त्योहार पूरे देश में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है और आज का यह वीडियो इसी उत्सव को समर्पित है। नमस्कार, धर्मसार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। गणेश चतुर्थी का यह उत्सव लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत अधिकांश घरों में मूर्ति स्थापना के साथ की जाती है और समापन अनंत चतुर्थी के दिन गणेश विसर्जन के साथ होता है। कोरोना वायरस महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से यह त्योहार कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाया जा रहा था, लेकिन साल 2022 में स्थिति सामान्य होने के चलते भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। आइए एक नज़र डालते हैं कि कैसे भारत के विभिन्न शहरों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। मुंबई। मुंबई शहर बप्पा की नगरी मानी जाती है। इस पर्व के दौरान गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के नारे से पूरा मुंबई शहर गूंज उठता है और चारों ओर एक अलग ही वातावरण का अनुभव होता है। यदि गणेश चतुर्थी के समय इस शहर में है तो आप प्रसिद्ध पंडाल जैसे लाल बाग चा राजा, खेतवाड़ी गणराज, गणेश गली मुंबई चा राजा और अंधेरी चा राजा आदि देख सकते हैं। गणेशोत्सव के 10वें और आखिरी दिन विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और फिर गाजे बाजे के साथ मूर्ति को अरब सागर में ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। गोवा। महाराष्ट्र की ही तरह इसके पड़ोसी राज्य गोवा में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलकर उत्सव की तैयारियां शुरू कर देते हैं। गोवा के 2 प्रमुख स्थान मार्शल और मापुसा में मौजूद कई मंदिरों में विस्तृत रूप से गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। देश भर से काफी संख्या में भक्त और पर्यटक गोवा में आयोजित किए जाने वाले रंगारंग कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली में गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रमों की एक सुंदर झलक देखने को मिलती है। दिल्ली में कुछ स्थानों पर भगवान गणेश की विशाल मूर्तियां भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही यहां के लोकप्रिय मंदिरों में पुजारियों के द्वारा वेदों और उपनिषदों के मंत्र आदि भी सुनने को मिलते हैं। गणेश चतुर्थी के अवसर पर पंडालों को रचनात्मक रूप से सजाया जाता है, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इन पंडालों में जनता मस्ती में भगवान गणेश के जन्म का जश्न मनाती हुई नजर आती है। हैदराबाद। इस सूची में अगला शहर है हैदराबाद। हैदराबाद की बात की जाए तो यहाँ भी गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। 10 दिवसीय यह उत्सव लोगों को एकजुट करता है। हैदराबाद में विशाल पंडालों का निर्माण किया जाता है, जहाँ गणपति जी की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इस त्योहार के दौरान यहाँ भगवान गणपति को प्रसाद के रूप में चावल के दलिये के साथ अंदरालू और कुदुमुलू जैसे विशेष व्यंजन चढ़ाए जाते हैं। हैदराबाद में मनाए जाने वाली गणेश चतुर्थी में एक खास बात यह भी है कि बहुत सालों से यहां के एक प्रसिद्ध मंडप खैरताबाद में गणपति जी की सबसे ऊंची 60 फीट तक की मूर्ति स्थापित की जाती है और इस मूर्ति के बाएं हाथ में लगभग 5600 किलो का लड्डू रखा जाता है। तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात की जाए तो गणेश चतुर्थी के समय यहाँ भक्त विभिन्न मंदिरों में गणपति के दर्शन के लिए जाते हैं और विशेष आरती और पूजा कर इसे बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह तमिलनाडु में भी विशाल मंडप स्थापित किए जाते हैं, जहां लोगों के दर्शन और पूजा करने के लिए विशाल गणेश जी की मूर्तियां रखी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिण भारत के अन्य राज्यों के बारे में बात करें तो यहां गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले गौरी हब्बा और गणेश हब्बा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान गणेश की माँ देवी गौरी की पूजा की जाती है। इस उत्सव के अनुसार भक्त द्वारा सबसे पहले माता गौरी का स्वागत किया जाता है और फिर अगले दिन गणपति जी का स्वागत किया जाता है। तमिलनाडु में भी गणेश चतुर्थी के उत्सव की शुरुआत माँ गौरी की पूजा से ही की जाती है। इस गणेश चतुर्थी यही आशा करते हैं कि गणपति बप्पा अपने आगमन पर अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए और उनकी कृपा आप और आपके परिवार पर यूं ही बनी रहे। धर्मसार की ओर से आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।